हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। एक और डुप्लेक्स विला आपके लिए मैं लेके आया हूँ, नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 से। मेरे खड़े होने की जगह देख लीजिए, रूफ पर टाइलिंग हो चुकी है, बहुत ध्यान से बनाया जा रहा है यहाँ पर चीज़ों को। चार मूर्ति से बात करें, आप ले लो 4 किलोमीटर, ले लो एक मूर्ति से 3 किलोमीटर, इस चीज़ को ले लो। राजेश पायलट गोल चक्कर से आप 1 किलोमीटर अंदर आ जाओ। वैसे तो आपने मेरी वैदपुरा की बहुत वीडियोज़ देखी है नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10 की, मैं जानता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैंने तब कवर किया था जब ये बिल्कुल जीरो कंडीशन पे था, और आप जानते हो फॉलोअप करता हूँ। और अब मैं जब लाया हूँ तो अपने थंबनेल में फुट्स की फोटो तो देख ही ली होगी। देव जी मेरे साथ हैं, बड़ी मस्त मस्त चीज़ें बताई हैं। और अच्छी बात है कि इंटीरियर के मैटर भी बहुत सही, जो आप लोग इंटीरियर कराना पड़ता है ना लेने के बाद, उस पर भी कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस को लेकर क्या रहेगा, रजिस्ट्री को लेकर, लोन को लेकर बहुत सारी डिस्कशन है। आप इस वीडियो को ढंग से देखो, अगर पसंद आए तो खुद ही फॉलो कर लो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आइए, देखिए, समझिए और पसंद आए तो ओके कर। तो चलिए शुरू। हेलो देव जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताओ आप कैसे हो? बस देव जी, बड़े दिनों बाद मिले हो देव जी। बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके आ रहे हो, क्या चक्कर है? ये बताओ क्या है, ये क्या नाम है इसका? भैया इस प्रॉपर्टी का नेम बालाजी ग्रीन विलास है। ओके ठीक है, तो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये? ये टोटल जो है ये 13 BA की साइट है, इसके अंदर टोटल 107 यूनिट्स हैं। 107 यूनिट, कुछ कम ही, थोड़ी कम नहीं है? यूनिट बहुत ज़्यादा है आपकी तो। सर आज की डेट में जितनी बड़ी सोसाइटी उतना अच्छा है लोगों के लिए, उतना ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती है। ये तो ऑन रोड ही है बिल्कुल आपकी सोसाइटी पूरी की पूरी। ये सर एक्सटेंशन सेक्टर 10 की सबसे प्राइम लोकेशन, सबसे फ्रंट की लोकेशन। और कितने विला आपने बताया? 107 यूनिट। 107 किस किस साइज के हैं यहाँ पर? इसमें आपको 60 गज से लेके जो है वो 100 गज उससे बड़े भी मिल जाएंगे। अच्छा 60 से शुरू है, और मतलब वैरायटी में और भी ऑप्शंस हैं, 60, 70, 80, 100, 120 ऐसे। तो आज हम कौन सा देखने वाले हैं? आज मैं आपको एक जो है एक्चुअल स्टेज का 80 गज का विला दिखाने वाला हूँ। ओके, तो आप 80 गज का मैं दिखाने वाले हैं। तो मैं अंदर जाने से पहले एक चीज़ समझना चाहूँगा। देखिए मैं, जरूरी होता है कि कहीं भी कोई घर देता है वो चाहता है कि भाई वहाँ पे सीवर वगैरह सब प्रॉपर होना चाहिए, वाटर सप्लाई वगैरह होनी चाहिए, वो सब मिलेगी ना? घर देखने का फायदा तभी है वो सब जो है। ये बहुत बेसिक चीज़ है सर, सीवर लाइट वगैरह प्रॉपर हम बना के देते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज वगैरह पूरा कनेक्ट करके देते हैं, प्रॉपर कनेक्शन होंगे, प्रॉपर कनेक्शन देते हैं। चलिए फिर चलते हैं। आप बताइए सर, ये एंट्री में हमें पहले क्या मिला? ये हमारा जो है 10x15 का जो है पार्किंग स्पेस है, इसके अंदर आपकी स्कॉर्पियो भी खड़ी हो सकती है, फॉर्च्यूनर भी खड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी पार्किंग है। कहीं भी कितने भी लाभ देख रहे हैं, सबसे बड़े इशू आज लेते हैं पार्किंग कहीं भी नहीं। ओके ओके, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कवर्ड पार्किंग है 10x15 की, 10x15 की कवर्ड पार्किंग। दोस्तों देखते जाना, साइज भी वो साथ साथ बता रहे हैं आपको। ओके ये आ गया किचन, काफी बड़ी किचन है ये। हमारा 8x8 का जो है किचन है, किचन एज दिस एक्चुअल स्टेज में आपको मिलने वाला है जो दिख रही है। हाँ जी हाँ जी, इसमें कलर चॉइस आपको मिल जाएगा। वी आर गिविंग अ कलर चॉइस, आपको कलर चॉइस मिल जाएगा ऐसा। तो सर मैं यहाँ पे ये जो देख रहा हूँ ये बीम, तो इसको तो हम पार्टीशन में भी कर सकते हैं, यहाँ कर्टन वगैरह सेट करके थोड़ा ड्राइंग रूम को और किचन को डिवीजन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, आप जो एंट्रेंस है वो इधर से भी ले सकते हो। अच्छा एंट्रेंस में इधर से भी ले सकते, इधर से भी ले सकते हो, इंटरनल में कस्टमाइज जो है। हाँ मतलब आपका तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर कोई कस्टमर एज अ डिमांड थोड़ा सा करता है ओके। ये हमारा है ड्राइंग, पूरा काफी अच्छा स्पेस है वेरी। और अच्छा ये भी स्पेस दिया हुआ है नीचे, डाउन द स्टेयर अपने शू रैक वगैरह बनाने के लिए, इन्वर्टर वगैरह हम चाहे तो यहाँ सेटअप कर लें। इन्वर्टर से याद आया, पावर बैकअप कैसा है यहाँ पर, पावर का सिस्टम क्या? यहाँ पे जो कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, हाँ 24x7 LTCL का कनेक्शन है। अच्छा हाँ एक पॉइंट ये भी मुझे याद आया, आपने जो कनेक्शन की बात बोली कि कुछ बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि 16 घंटे का कनेक्शन ले रहे हैं, कहीं पे 24 घंटे का भी मिल रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है ना लोग। मैं बताता हूँ, दैट इज UPPCL जो अभी स्टैंडर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही है, ग्रामीण जो आती है दैट इज UPPCL, एंड जो अर्बन को जो आ रही है अभी सेक्टर 10 में, कुछ कुछ महानगर में अभी जो है दैट इज NPCL। उसके लिए जो कॉस्टिंग है एप्लीकेशन की वो ज़्यादा है, जैसे हमने 42 लाख रुपए जो है वो हमने सबमिट करके 24x7 जो है वो हमने दिया है। अगर वो करते, अगर नॉर्मल करते तो 20 लाख हमारा काम हो जाता। अच्छा फिर वो सप्लाई कम होती तो लोगों को दिक्कत होती। हाँ तो वही है, लेकिन क्या है कि वन टाइम में देखो घर मिलना है, आपने कस्टमर फर्स्ट का फॉर्मूला यूज़ किया। ओके ये एक रूम है, ये कबर्ड मिलेगी सर साथ में? आपको जो ये आप देख रहे हो इसमें अलमारी, किचन, फॉल्स सीलिंग सब मिलेगा। ये नहीं है ना?
ये किसी और का शायद। हाँ जी हाँ जी, ये अलग है। ओके, ये वॉश हो। ये रूम कितने साइज का है सर? ये सर जो है सर, ये जो बेडरूम है ये 14x11 का ही बेडरूम है। ओके ठीक है। इसके साथ में 8x6 का हमारे पास में जो है लैविश जो है वॉशरूम है। इधर में शाफ्ट एरिया है, वो टियर सीट है, ओपन टू स्काई। ओके सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर अभी एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे जूने तो आपने बहुत देखे होंगे। हाँ हाँ। एक बार ये आप डबल हाइटेड स्टेयर्स आप देखो जो है। ओके ठीक है। इसमें अभी हम लोग झूमर जब लगाए, झूमर अगर आप समझते हो, हाँ हाँ, झूमर जब हम लगाएंगे तो ये बहुत लैविश लगेगा। हाँ बिल्कुल, मॉडर्न डिजाइन पे बना हुआ मिला ये। जी जी, चलिए ऊपर चलते हैं। एक बात तो नोटिस करने पड़ेगी देव जी, अभी सप्लाई कनेक्शन, लाइट का सप्लाई कनेक्शन होना है इसका, लेकिन रोशनी की कोई कमी नहीं है यहाँ पर। वो डिजाइन की वजह से ऐसा है, पूरा वेंटिलेटेड अपना हाउस है। तो ऊपर आ रहे हैं, फिर वेटिंग हम मिनी हॉल, ठीक है, मिनी लॉन्ज एरिया। हाँ लॉन्ज एरिया और ड्राइंग रूम आपको मिलता है छोटा सा। ओके ठीक है। इधर में जब हम आप देखते हैं तो हमने बड़ा सा वॉशरूम भी ऊपर में बनाया हुआ है। दिस इज द सेकंड वॉशरूम, ठीक है, ये अटैच भी हो सकता है आपके साथ। ओके ठीक है। ये हमारा जो अभी 11x14 का जो है सेकंड बेडरूम है। ओके, ये भी मिलेगी हमें। ये एलएलसी आपको अलमारी मिलेगी बन के। ठीक है। ओके सर, प्लीज सर। ये हमारा जो है थर्ड जो है वॉशरूम है, ये अटैच, दिस इज द मास्टर बेडरूम। ओके ठीक है। वाह क्या लाइट, मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो नेचुरल लाइट है ना, सीधी जब घर में आती है सुबह सुबह, बहुत अच्छी चीज़ लगती है। और अच्छा ये आपने ओपन स्पेस दे दिया यहाँ पर। हाँ ये ठीक है, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह अपना। ठीक है, काम और काम तो बहुत तेज़ चल रहा है आपका, बहुत स्पीड से चल रहा है काम। सर तो अभी एक एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको जो है, जैसे और भी आपको बिला वगैरह करते हो, जैसे अभी बाजार में लोग क्या है कि लोहे और लकड़ी की चौखट इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज वेरी ओल्ड फैशन। राइट। तो अभी अगर आप जैसे बड़ी बड़ी कोठी जो देखते हो उसमें जीआई का काम हो रहा है, इसे बोलते हैं प्री पेंटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन। अच्छा, इसमें 100 साल तक रस्ट नहीं लगेगी। और दूसरी खास बात मैं बताता हूँ आपको, SS202 की सेफ्टी ग्रिल भी हम दे रहे हैं। बिल्डर आर गिविंग सिर्फ ग्लास देते हैं, फिर कस्टमर अपने अपना पैसा हाँ, आता है, इंटीरियर अपना काम कराना पड़ता है। ये भी हम सेव कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ कि अभी हमारे अलावा अभी इस रेंज में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। नहीं, ये पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि हर सोसाइटी में जब भी लोग शिफ्ट होते हैं, कुछ करते हैं, ग्रिलिंग का काम उनको कराना ही पड़ता है, पड़ता है। और ये आप चीज करके दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऊपर चले सर। हाँ सर, ये अपना हाँ है। ये आपने दिया है एक बार। ये हमारे पास पूजा करनी है। हाँ ये हमारे लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके, पूजा घर के इस लेआउट में हमारे पास में पूजा करनी। ठीक है, चलिए सर ये आ गए ऊपर। अच्छा, यहाँ पर भी एक आपने स्पेस दे दिया है, ये अच्छा है। वुड, ये पूरी छत है, छत पे भी टाइल लगा के दे रहे हैं हम लोग। वी आर द फर्स्ट वन, वी आर ऑफरिंग अ टाइल। ठीक है, ये टाइल हम लोग जो है लगा के दे रहे हैं। तो ये भी कस्टमर का 1-1.5 लाख रुपए जो टाइलिंग करवाता है, वो सब छत पे भी जो काम कराना होता है वो भी बच जाता है। ये छत पूरी वैसे है पूरी। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, क्या बात है। ये लोकेशन देख लीजिए, ऑर्चिड और सिंधुजा फैमिलीज रह रही हैं। पूरा बसा हुआ इलाका है। मैंने तो ये तब देखा था पूरे इलाके को जब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तब से इसे कवर किया है और तब से डेवलप होता ही चला गया पूरा एरिया। और अच्छी बात है, आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसे एज अ टाइम पर बिल्कुल चीज़ें मैं देख रहा हूँ आप डिलीवर करने की तैयारी में है। तो पॉइंट पर आते हैं सर, अब मुझे बताइए इसका पोजेशन कब देने वाले हैं? सर हम लोग पूरी सोसाइटी का जो हैंडओवर जो है अप्रैल में कर रहे हैं। एंड अप्रैल 2024। हाँ अभी कर रहे हैं हम लोग जो है, कुछ हमारी ऐसी यूनिट भी होगी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव में भी है, तो कस्टमर को रजिस्ट्री करा के पूजा भी करा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं, हम लोग जो है 4-5 मंथ्स में पूरा डिलीवरी हम लोग पूरा आगे तक कर देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हमने खड़ा कर लिया सारा। अब सर ये बताइए इसकी स्टार्टिंग कितने से हो रही है प्राइस की? इसमें 48 लाख रुपीज से स्टार्टिंग है हमारे यहाँ पे। 48 लाख से स्टार्टिंग और है। जो साइज है वो 60 स्क्वायर यार्ड है, फिर 70 है, फिर 80 है, वो उस अनुसार जो है वो वैरायटी हमारे पास है। हम लोग सेमी फिनिश ऑफर कर रहे हैं, किचन का सारा काम
अलमारी और पूरे घर में फॉल सीलिंग, छत पे टाइल, फ्रंट में ग्रिल, तो टाइप ऑफ क्या है कि आपको अपना जो है जो आप जहाँ रहते हैं बेड है फ्रिज है वो लेके आना और अपना शिफ्ट हो जाना है। ओके, सेकंड पॉइंट लोन कहाँ से होगा इसका? लोन इसके अंदर जो आप तो बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिल जाएगा जो है, जैसे अभी बंधन बैंक ऑफर कर रहा है, पीएनबी हाउसिंग में भी आ गया है, आईसीआईसीआई ने भी फंडिंग शुरू कर दी है, उसके अलावा कैनरा हाउसिंग तो स्टार्टिंग से कर ही रहा है, उसके अलावा भी हमारे पास 10 से 12 ऑप्शन और भी हैं जो हमारे यहाँ पे लोन कर रहे हैं। रजिस्ट्री म्यूटेशन प्रॉपर हर चीज मिलेगी? मैं कह रहा हूँ सर, खसरा नंबर, मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बिना बैंक लोन ही नहीं करता। हाँ, लोन तो नहीं करता, मगर स्टिल लोगों के कई क्वेश्चन रहते हैं, खासकर आप जानते ही हैं अथॉरिटी को लेकर बड़ा टेंशन रहती है लोगों को। मैं कह रहा हूँ सर, आप देख लो बसा हुआ पूरा एरिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट अगर आदमी को आने से पहले भी देखना है तो हम भेज सकते हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं कि आदमी आएगा तभी दिखाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट तो होगा। अब ये बताइए मुझे लास्ट क्वेश्चन कि जो हम 48 लाख पे करें स्टार्टिंग प्राइस, उसके अलावा कोई चार्जेस हैं जो हमें देने होंगे? नहीं सर, ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्री का आपको चार्ज देना है, गवर्नमेंट टैक्स है बस वो आपको देना है, बाकी सब चीज़ इंक्लूड है। एनी मेंटेनेंस चार्ज? मेंटेनेंस चार्ज जो है सोसाइटी जब हैंड ओवर हो जाएगी पूरी आरडब्ल्यू बनाने के बाद में वो आपको देना है। इसमें नॉमिनल जो है वो 1 रुपए फुट में आएगा, लगभग आप मान चलो 1200 से लेके 1500 रुपए तक आएगा बड़े साइज, इस साइज में भी। अच्छा, उसमें नॉमिनल गार्ड है और स्वीपर है और सफाई वाला इलेक्ट्रिशियन है, प्लंबर। हाँ, इतना तो फिर नॉमिनल है, ये तो नॉमिनल, वो बहुत ज्यादा नहीं रहने, 1000-1500 रुपए रहेगा। अब अगर सेपरेट भी रखोगे तो कई गुना खर्चा हो जाएगा उसमें, तो फिर वो मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। नहीं नहीं, सही कहा आपने, नॉमिनल। ठीक है देव जी, आपने इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी दी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अभी इसी खबर करके इसे छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं फिर आऊंगा दोबारा और फिर कवर करूंगा, स्टेटस आपसे लूंगा इसका और आपको देना पड़ेगा। डन है सर, डन है, मैं रेडी हूं, जो है जितनी बार भी आप आओगे उतनी बार जो है आपको अपडेट देंगे। चलिए, थैंक यू देव जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।